इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स में आज हम लोग ये जो स्विच बोर्ड है, ठीक है, इस तरह का स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करना है, ऑल वायरिंग कैसे करना है, हम लोग ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले ये जो स्विच बोर्ड है, इसी स्विच बोर्ड के हिसाब से मैंने एक ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये जो स्विच बोर्ड है, कैन यू सी हियर, ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 स्विच है और एक फैन रेगुलेटर है, फिर एक स्विच है और एक पावर सॉकेट हो गया, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया, और इसी मतलब क्या है कि यहाँ पे समझ लो कि दो स्विच दो लाइट के लिए हो जाएगा, एज्यूम कर लो, ठीक है। मतलब दो स्विच के थ्रू हम लोग दो लाइट को जलाएंगे, फिर ये होगा, ये जो स्विच होगा ये फैन के लिए होगा, और ये जो स्विच होगा ये सॉकेट के लिए होगा। क्लियर, दो स्विच दो लाइट के लिए, ये स्विच होगा फैन के लिए जिसके साथ रेगुलेटर लगा हुआ है, और ये जो स्विच होगा वो सॉकेट का होगा, ठीक है। तो स्विच 1, 2, 3, 4 चार स्विच है। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे देखो एक ड्रॉ किया मैंने, ये मेरा मेन फ्रेम हो गया, और यहाँ पे स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 है, ठीक है। और ये जो हो गया इसे 1, 2, 3, ये 4, और ये जो हो गया रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर, और ये हो गया पावर सॉकेट। यहाँ पे ये क्या है, पावर सॉकेट, ठीक है ना। तो जैसे हर स्विच में दो दो पॉइंट होगा, उसी तरह मैंने दो दो पॉइंट लगा लिया यहाँ पे, इसमें भी दो पॉइंट है, और फैन रेगुलेटर के भी दो पॉइंट होगा, यहाँ पे दो पॉइंट है, और जो पावर सॉकेट है उसमें तीन पॉइंट होगा, एक होगा फेज, दूसरा होगा न्यूट्रल, और होगा अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो एकदम वायरिंग को समझना एकदम आसान है, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने जो फिजिकली यहाँ पे कनेक्ट किया सबको, मैंने रेड वायर यूज़ किया, तो वायर तो तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कलरिंग होने से मतलब अलग अलग कलर का वायर यूज़ करने से क्या होता है कि समझ में आता है कि कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, तो तुम लोग जब करोगे मैं सजेस्ट करूंगा अलग अलग वायर कलर का वायर यूज़ करना, ठीक है। मैंने फिलहाल यहाँ पे एक ही वायर से एक ही कलर से सब काम चला दिया। तो यहाँ पे डायग्राम पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग फिजिकली समझ लेंगे इसको। डायग्राम में क्या हो रहा है देखो, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है इस बोर्ड को मुझे अभी फेज देना है। सबसे पहले फेज जो है मैं एक ही फेज लूंगा, और उसी फेज को मैं सभी में मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। मैंने एक ही फेज लेना है, मुझे फेज मुझे एक ही लेना है, और उसी को मैं क्या कर दूंगा, चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। हालांकि नॉर्मली तुम लोग ये कर सकते, जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम अलग अलग कनेक्शन के लिए कितना mm का वायर यूज़ करना है मैंने समझा दिया तुम लोग ऑलरेडी, आई थिंक तुम लोग समझ में आ चुका है फिलहाल। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फैन रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या नॉर्मली क्या है कि तुम स्विच के लिए फैन के लिए अप टू 1.5 mm तक सफिशियंट है, वो ओके है, ठीक है। और अगर तुम पावर सॉकेट यूज़ करोगे तो तुम वहाँ पे अप टू 2 mm तक वायर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, ये तुम्हारा लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम पावर सॉकेट में क्या लोड लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम पावर सॉकेट के थ्रू अगर फ्रीज का यूज़ कर रहे हो, एसी चला रहे हो, तो उसमें ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा एमएम का वायर लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग तो समझ लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पावर सॉकेट है नॉर्मल पावर सॉकेट, इसमें हैवी लोड नहीं देना है, तो यहाँ पे हम लोग 2 mm का वायर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और तो मैंने क्या किया, एक ही फेज कनेक्शन को लेते हुए मैंने क्या किया, उसी फेज को मैंने चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चारों मतलब दो स्विच दो लाइट के लिए, एक फैन के लिए और एक सॉकेट के लिए। तो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे समझो वायर को, ये जो रेड वायर है, पहले मैं समझा दूँ, जो रेड है वो फेज हो गया, जो ग्रीन है वो अर्थिंग के लिए हो गया, और जो ब्लैक है वो न्यूट्रल वायर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेड दिया, ये जो रेड समझ लो ये मेन सोर्स है, जहाँ से ये मेन सोर्स मतलब समझ लो, एज्यूम कर लो कि ये तुम्हारा क्या आ रहा है, एमसीबी बोर्ड से आ रहा है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया नहीं, तो समझ लो यहाँ पे एमसीबी बोर्ड से क्या आ रहा है, तीन लाइन आ रहा है, एक न्यूट्रल, एक फेज और एक अर्थिंग का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हो गया मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, तो यहाँ से फेज वायर आ रहा है, ये फेज वायर को मैंने लेते हुए कहाँ पे लगा दिया, देखो यहाँ पे इस बोर्ड का देखो नोटिस करो, यहाँ पे मैंने इसका स्विच 4 पे लगाया है, स्विच 4 पे मैंने फेज को लगा दिया, समझ में आ रहा है बात। और इसी फेज को मैंने क्या किया, फिर यहाँ से देखो, फिर मैंने और एक वायर उठा लिया यहाँ से, इस वायर को लेते हुए मैंने क्या किया, इस स्विच ये फेज वायर को लेते हुए मैंने मतलब इस स्विच तक तो फेज आ चुका है, इसी फेज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, स्विच 2 पे लगा दिया। और भाई स्विच 2 का ये दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यही फेज कहाँ तक जा रहा है, अभी स्विच 2 में जा रहा है, स्विच 1 में भी जा रहा है, और स्विच 3 में भी जा रहा है, क्लियर ना। क्योंकि ये मैंने एक उसके मतलब ये तीनों को जोड़ कर रखा है, और ये कनेक्शन लेके मैंने यहाँ पे लगा दिया तब को, तो इसका मतलब क्या है, स्विच 1, 2, 3, 4 चारों स्विच को फेज मिल चुका है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद स्विच में तो सिर्फ फेज चाहिए, स्विच में क्या है, स्विच में तुमको ना अर्थिंग चाहिए ना कि ग्राउंड चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, स्विच में फेज देना है, मैंने फेज दे दिया। स्विच का जो सेकंड पॉइंट है वो तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, तुम्हारा पॉइंट तक जाएगा, चाहे फैन पॉइंट हो, लाइट पॉइंट हो, जहाँ पे भी वो पॉइंट तक जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं दो स्विच यूज़ कर रहा हूँ रियल में, स्विच 1 का भी यूज़ नहीं हो रहा है, स्विच 2 और 3 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्विच 2 जो है उसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइट, स्विच 2 का जो सेकंड पॉइंट है उसको हम लोग ने कहाँ तक लेके गया है, उसको मैंने कहाँ पे लेके गया, ये लाइट पॉइंट तक लेके गया, ठीक है। और उसी तरह स्विच 3 जो है, क्योंकि स्विच 3 जो है वो रेगुलेटर का है, फैन के लिए, तो स्विच 3 जो है, स्विच 3 का ये देखो
मतलब स्विच थ्री से ये फेज आया और ये फेज कहाँ तक गया? स्विच थ्री से डायरेक्ट फैन में नहीं जाएगा, क्योंकि फैन को तो हम लोग भैया रेगुलेटर चलाना है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच टू का जो सेकंड पॉइंट है उसका फेज कहाँ पे ले गया मैंने, डायरेक्ट लाइट पॉइंट को लेके गया मैं। लेकिन स्विच थ्री जो है इसका काम हो गया, तो ये भैया रेगुलेटर से तुम्हारा फैन को चलाना है, तो स्विच थ्री का जो फेज सप्लाई वो कहाँ पे जाएगा, रेगुलेटर का एक पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। और फिर रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट से क्या हो रहा है, ये फेज कहाँ तक जा रहा है, फैन पॉइंट तक जा रहा है। समझ में आ गया बात? हो गया। तो मतलब फैन को फेज मिल गया, लाइट को भी फेज मिल गया, ठीक है। अभी किसको फेज मिलना है, पावर सॉकेट को फेज मिलना है, तीनों स्विच को फेज मिल गया, बाकी भैया दो स्विच से फैन और लाइट में चला गया, अभी रह गया पावर सॉकेट को फेज मिलना है। तो देखो पावर सॉकेट में जो ये जो फेज मेन फेज आ रहा था, ये इस पॉइंट से मैंने पावर सॉकेट का इस पॉइंट पे मैंने फेज का कनेक्शन दे दिया, ठीक है। तो पावर सॉकेट को फेज मिल गया ना। तो पावर सॉकेट में तीन पॉइंट होता है, फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। तो न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल डायरेक्ट यहां से आएगा तुम्हारा, ये देखो ये जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल का काम कर रहा है, ये यहां पे तुम्हारा डायरेक्ट कहां तक आ रहा है, पावर सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट तक आ रहा है। और अर्थिंग भी वही डायरेक्ट यहां पे आ रहा है, यहां से आते हुए मैंने यहां पे इसका कनेक्शन कहां पे कर दिया, इस अर्थिंग पॉइंट के साथ कर दिया, मतलब ग्राउंड पॉइंट के साथ। तो पावर सॉकेट का कनेक्शन भी हो चुका है, तो यहां पे सबका हम लोगों ने कनेक्शन समझ लिया है। बाकी रह गया जो फैन एंड लाइट पॉइंट, ये दोनों को चाहिए न्यूट्रल कनेक्शन चाहिए। तो मैंने यहां से अलग सा एक न्यूट्रल वायर लेते हुए क्या किया, यहां पे इस फैन पॉइंट को दे दिया एक, उसी को मैंने लाइट पॉइंट को दिया और उसी को यहां से कंटिन्यू करते मैंने क्या कर दिया, उसको फैन पॉइंट तक लगा दिया। तो ये तुम्हारा सिंपल सा वायरिंग। देखो वायरिंग तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट ये है, बस उसका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैंने जैसे किया है कि एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ऐसे ही होना ऐसा जरूरी नहीं है, तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस बोर्ड में। लेकिन मैंने फिलहाल जिस तरह से किया है उसी को तुमको ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। तो ये जो हम लोग का ड्रॉइंग होगी अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल यहाँ पे डायरेक्ट बोर्ड पे समझते हैं, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वही देखो, हालांकि मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर का वायर यूज़ नहीं किया, सेम कलर का वायर ही मैंने यूज़ किया है। तो जस्ट वेट, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे स्विच बोर्ड में, इस बोर्ड में समझ लो, बोर्ड में कितना स्विच है, एक दो तीन चार स्विच है, ठीक है। तो मेन जो देखो मेन जो फेज आ रहा है, मेन फेज आ रहा है स्विच फोर पे आ रहा है। देखो ये स्विच फोर हो गया, ठीक है, ये स्विच फोर हो गया और ये मेन फेज वायर है, ये जो आ रहा है वायर ये मेन फेज है, ठीक है, मतलब ये वाला है। तो ये कहाँ तक आया, स्विच का इस पॉइंट तक आया, ठीक है ना। ये जैसे मैंने यहाँ पे दिया है मेन फेज कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो ये मेन फेज स्विच का इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसी से मैंने फेज को लेते हुए बाकी तीनों स्विच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो यहाँ से ही फिर से मैंने और एक वायर उठाया और उठाते हुए मैंने ये बाकी यहाँ पे लगा दिया। तो मतलब ये जो है अभी ये इस पॉइंट के साथ ये दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ है ना इस वायर के थ्रू, तो ये बाकी तीनों स्विच को भी फेज मिल गया, ठीक है, ये काम हो गया। फिर नेक्स्ट देखो तुम्हारा जैसे ये स्विच टू को मैंने किसके साथ जोड़ा है, लाइट पॉइंट के साथ। जैसे ये स्विच टू हो गया, ये स्विच टू है, तो इसका ये फेज गया, ये फेज कहाँ तक गया, ये लाइट पॉइंट है, यहाँ पे ये एक लाइट पॉइंट है, थोड़ा इधर लेके आओ, हाँ यहाँ पे ये लाइट पॉइंट है, ठीक है, ये जो आया ये लाइट पॉइंट तक आया। इसको थोड़ा मल्टीमीटर लाओ, मैं दिखाता हूँ, वहाँ से मल्टीमीटर लाओ, हाँ। तो ये देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को बीप इसका मैं कंटिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ यहाँ तक गया कि नहीं, तो समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं बीप चेक करके दिखाता हूँ, ये पॉइंट इसका फेज में आया। तो दोनों में से यहाँ पे दो है, एक इसमें से एक फेज एक न्यूट्रल है, तो इसको मैंने कहाँ पे रखा है, बीप पे रखा है। तो इसका कनेक्शन इसके साथ मुझे मिलेगा, ठीक है, वहाँ बीप नहीं आ रहे, तो पॉज करो सो। जब मैंने कनेक्ट किया, मैंने स्विच टू को नहीं दिया, मैंने स्विच वन को इसके साथ दिया, मैंने लाइट पॉइंट के साथ दिया, ठीक है, इसीलिए यहाँ देखो। तो मैं ये स्विच वन का, स्विच टू को नहीं दिया, मैंने स्विच वन का दिया, इसलिए स्विच वन का ये जो पॉइंट है, जैसे ये वाला मैंने यहाँ पे ड्राइंग में इसको दिया था एक्चुअली, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने इसके साथ अप्लाई कर दिया इसको, तो मैं इसको ठीक कर, कोई बात नहीं है, ये जो है यहाँ से आएगा, ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है, इसका कनेक्शन नहीं है। तो मैंने इस पॉइंट का कनेक्शन लाइट के साथ दिया, देखो ये जो हो गया अभी यहाँ पे, इस पॉइंट का कनेक्शन किसके साथ है, ये देखो लाइट का इस पॉइंट के साथ आ रहा है। तो लाइट को फेज मिल गया यहाँ से इस स्विच के थ्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, इसका तो हो चुका है, अभी फैन का समझते हैं। स्विच टू का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ये जो वायर केबल लगा हुआ है अभी ये कहीं भी नहीं जा रहा है, जस्ट खुला हुआ है, मतलब ये जस्ट अनयूज्ड है, ठीक है। स्विच थ्री में आते हैं, स्विच थ्री का यहाँ तक तो समझ में आ चुका है, यहाँ पे मेन फेज आ गया, फिर इस पॉइंट से कहाँ तक जा रहा है, रेगुलेटर का किसी एक पॉइंट में वायर में जा रहा है। तो इस पॉइंट देखो, ये देखो, तो रेगुलेटर का जो ये जो वायर है, देखो देख रहे हो ना, ये जो रेगुलेटर का वायर यहाँ से आया, इसका कनेक्शन कहाँ पे दिया गया,
यहाँ तक, समझ में आ रहा है? तो ये मतलब ये वाला कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो रेगुलेटर को फेस मिल गया। अभी रेगुलेटर का जो दूसरा पॉइंट है, ये कहाँ तक जा रहा है? फैन पॉइंट तक जा रहा है। तो रेगुलेटर का जो ये जो पॉइंट है, ये जो वायर है, इसका इसका इस वायर के थ्रू ये फैन पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है। ये दोनों में से एक फेज एक न्यूट्रल है, तो ये फैन पॉइंट तक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बीप चेक नहीं करा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कोई ओपन नहीं है कनेक्शन, सब पूरा कवर्ड है यहाँ पे। तो बस समझ लो कि यही कनेक्शन कहाँ तक जा रहा है, फैन का यहाँ तक जा रहा है। तो फैन को फेज मिल गया ना, ठीक है, ये फैन पॉइंट हो गया। अभी क्या रह गया? अभी पावर सॉकेट। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ लिया। तो पावर सॉकेट को फेज कहाँ से दिया जा रहा है? ये जो स्विच 4 है, इसका इस पॉइंट से पावर सॉकेट को फेज दिया जा रहा है इस तरह से। तो देखो यहाँ पे ये बीप चेक करना जरूरत ही नहीं है, देखो यहाँ पे वायर देख सकते हो तुम, यहाँ पे इस वायर को यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो पावर सॉकेट को फेज मिल गया। पावर सॉकेट को और क्या चाहिए? न्यूट्रल एंड अर्थिंग। तो ये जो न्यूट्रल, ये जो हो गया न्यूट्रल और ये हो गया अर्थिंग, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, एक हो गया न्यूट्रल और दूसरा क्या है? अर्थिंग। और न्यूट्रल और अर्थिंग ये तुम्हारा ये इधर से जो मेन से आ रहा है, मतलब ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आएगा, ठीक है, ये इधर से आते हुए यहाँ तक आ रहा है। तो ये पूरा पावर बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा प्रैक्टिकली ऑन करके समझ लेते हैं। तो चलो मैं एक सेकंड थोड़ा इसको कवर कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे थोड़ा फिक्स कर दो, हिलेगा नहीं ये, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे तीन वायर है, मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा है, एक्चुअली कलर सेम हो गया ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने मार्किंग करके रखा है। देखो तो ये जो हो गया, ये फेस पी मतलब फेस, और ये अर्थिंग का हो गया, GND लिखा हुआ है ग्राउंड अर्थिंग, और ये तुम्हारा N लिखा हुआ है, मतलब ये न्यूट्रल, ठीक है, तीन वायर है ना। देखो यहाँ पे ये फेज न्यूट्रल अर्थिंग, तो फेज न्यूट्रल अर्थिंग हो गया ना। तो समझ लो ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहा है, ठीक है, और फिर और एक न्यूट्रल इधर से आएगा, ये है, ठीक है ना। तो देखो एक तो फेज इसको मिला, एक तो ये जो फैन पॉइंट है इसको फेज मिला, इधर से मिल रहा है, ठीक है ना। ये जो फेज यहाँ पे आया ना, ये स्विच बोर्ड से ये फेज फैन पॉइंट को मिला, फिर यहाँ से एक अर्थिंग वायर आया, ये आया एक अर्थिंग वायर यहाँ से आया, ठीक है, इस फैन लाइट पॉइंट तक आया ये अर्थिंग वायर, और यही अर्थिंग वायर इसका दूसरा सिरा ये, ठीक है। तो ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आएगा, समझ में आ रहा है ना, ये वाला बोर्ड हो गया। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं, मैंने क्या किया एक्चुअली यहाँ पे एक पावर सॉकेट को यूज़ कर लिया, स्विच बोर्ड को यूज़ कर लिया, यहीं से मैं सब सप्लाई दे दूंगा, ठीक है। लेकिन रियल में क्या होगा, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। फिलहाल तो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में नहीं जा रहे हैं, बात एक ही है, तो मैं यहाँ से इसको सप्लाई दे रहा हूँ। चलो थोड़ा समझ के लिए पोस्ट कर लो इसको, सही लगा ये ग्राउंड, इसको ऑफ कर लो, और ये पी लिखा है ना, ए उल्टा लगा दिया, दो न्यूट्रल है ना, एक न्यूट्रल ये और एक न्यूट्रल ये, तो इसका कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड सप्लाई देना था दे दिया हम लोगों ने, ठीक है, पहले एक बार फेस चेक कर लेते हैं, फेस आया कि नहीं, हम लोगों ने इसको मेन सोर्स से सप्लाई दे दिया है। अभी फेस चेक करेंगे यहाँ पे इसका जो पावर सॉकेट है, इसमें फेज आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे ऑन है ना, हाँ। अच्छा सॉरी, मेरे तो ऑफ है ना स्विच, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फेज आ रहा है कि नहीं, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, और ये देखो फेज आ गया, ठीक है, फेज यहाँ पे आ चुका है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये फेज है, और ये हो गया अर्थिंग, तो फेज में सप्लाई आ रहा है। चलो यहाँ तो समझ में आ चुका है, अभी हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट था, पहला जो स्विच था, किसके लिए था? लाइट पॉइंट के लिए था, ये लाइट पॉइंट हो गया। सेकेंड को छोड़ के थर्ड जो हो गया फैन के लिए था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये टेस्टिंग के लिए जस्ट ये वाला फैन लगा के रखा है अभी, जस्ट समझने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे इस तरह का फैन तुम लोग मत लगाना, ये टेबल फैन तुम्हारा वो जो सीलिंग फैन होता है उसी के लिए होता है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने लगा के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक नंबर का स्विच का ऑन करने से लाइट जलना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये लाइट जल रहा है, ठीक है, ये मैं एक बार ऑफ ऑन करता हूँ, ये ऑफ कर दिया, ये मैंने ऑन कर दिया, ये एक नंबर का स्विच काम कर रहा है, ठीक है, तो लाइट जल रहा है। सेकंड स्विच कोई अभी कनेक्शन है नहीं, इसलिए इसका यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये बिना यूज़ का है। थर्ड जो हो गया वो तुम्हारा क्या है, फैन के लिए, फैन रेगुलेटर। तो ये मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऑन करूँगा, एंड ये मैंने ऑन किया। अभी देखो मैंने फैन का कनेक्शन कहाँ पे दिया, ये जो फैन का पॉइंट है मैंने यहाँ पे टच करके रखा है यहाँ पे इसको, ठीक है, जो फैन का जो प्लग पॉइंट है ये मैंने यहाँ पे इसको लगा के रखा है फैन पॉइंट के साथ। तो यहाँ से देखो मैं फैन को तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया, लेकिन और फैन चल नहीं रहा क्योंकि ये तुम्हारा रेगुलेटर जीरो में रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑन करेंगे, तो ये देखो तुम्हारा फैन घूम रहा है, ठीक है।
तो रेगुलेटर काम कर रहा है कि नहीं उसको समझना है, हम लोग का काम तो कर ही रहा है डेफिनेटली, क्योंकि रेगुलेटर ऑन करने से फैन चल रहा है ना। तो अगर इसको जैसे टू में दे रहा हूँ, देखो इसका स्पीड बढ़ चुका है, ठीक है ना, तो मेरा रेगुलेटर भी सही सही काम कर रहा है, हो गया। फाइनली हम लोग क्या चेक करेंगे, पावर सॉकेट को। तो पावर सॉकेट को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक जस्ट तुम्हारा पानी गर्म करने का जो एक ये हीटिंग एलिमेंट है उसको मैं लेके आया, और मैं ये उसका पावर पॉइंट को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे पावर पॉइंट को, ठीक है। तो ये मैंने टच लगा दिया यहाँ पे इसको, और मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये मैंने इसको ऑन कर दिया, और ये देखो इसका सप्लाई फेज मिल चुका है। अभी ये थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है, ये काम कर रहा है, मतलब हीटिंग हीट हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो ये ऑफ कर दिया सबको। तो आई थिंक तुम लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। ओके, बस बोलिए।